आप जिनको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानते हो ना इस दुनिया में, आंखें बंद करो, एक बार उनको जरा इमेजिन करो। सीधा नजर जाती है कि भाई इनकी जॉ लाइन कितनी शार्प है, कितनी ज्यादा चिजल्ड है। वैसे मैं बोलूंगा बढ़िया टंग पॉस्चर। खैर ये आगे मैं आपको समझाता हूँ। आंखें आप खोल सकते हो। अब ये जो जॉ लाइन है ना, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है, उसके बारे में मैं आपको एक छोटे से एक्सपेरिमेंट में समझाता हूँ। हो सकता है थोड़ा फुद्दू लगे एक्सपेरिमेंट, बट ये मेरे कैमरे की लेंस है। ये कैमरे की लेंस मैंने अपनी पतली से कपड़े की एक गंजी के बीच में अगर आपने डाली, इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो। अब ये कुछ और मत समझना, बट इम्पैक्ट देखो, पतले से कपड़े में इम्पैक्ट दिखता है। पतला अगर कोई चीज हो तो, थिन अगर हो, सेम चीज हम अपनी जैकेट के साथ करें। थोड़ी आवाज डिस्टर्ब हो सकती है, पहली बता रहा हूँ। कॉमेंट में मत लिखना भाई आवाज कहाँ गई। सेम एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। क्या कुछ इंपैक्ट दिख रहा है? यहां पे लेंस इंपैक्ट नहीं दिख रहा। सिंपल सी चीज है यार जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर कोई चीज मोटी होगी तो उसका बाहर इम्पैक्ट नहीं आएगा, और अगर कोई चीज बड़ी पतली होगी जैसे ये मेरी ये गंजी, तो भाई उसका इम्पैक्ट बाहर आएगा, जो भी अंदर कोई सॉलिड चीज होगी। सेम गोज विद योर बॉडी फैट परसेंटेज। बॉडी फैट परसेंटेज अगर इस पार्ट का ज्यादा है तो यहाँ पे जो भी इम्पैक्ट आएगा वो इस साइड नहीं रिफ्लेक्ट होगा, बाहर वाली साइड नहीं रिफ्लेक्ट होगा, बट अंदर वाली साइड अगर कोई भी चीज पुश कर रही है उस थिन पार्ट पे, अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो थिन स्किन है, जैसे वो बोलते हैं ना पेपर थिन स्किन, उतनी नहीं हमें करनी वैसे, बट अगर बॉडी फैट परसेंटेज कम है, थिन स्किन है, तो बाहर इम्पैक्ट आएगा जॉ लाइन का। यार इसीलिए तो सारे मॉडल्स के बड़े चिजल्ड से फेस होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम होती है। इसलिए मेरे डोले में बढ़ाता ही नहीं, क्योंकि रैंप वॉक्स वगैरह करनी होती है। और तुम इंस्टाग्राम के मॉडल को प्लीज मत मद्देनजर रखना, क्योंकि भाई वो मॉडल नहीं होते। मैं आपको क्लियर एक भाषा में बताऊं, वो अपने काइंड ऑफ जो इंस्टाग्राम के शूट के लिए काइंड ऑफ जो फोटोज खिंचवाने होती है, या फिर कोई रोडीज स्प्लिट्सविला से कोई निकला और तुमने उनको इंस्टाग्राम का मॉडल या पता नहीं कहाँ का, FDCA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ दो ही फैशन शोज करवाती है। एक करवाती है दिल्ली में लोटस फैशन वीक, पहले अमेजॉन फैशन वीक से जाना जाता था, और एक करवाती है मुंबई में लैक्मे फैशन वीक। तुम्हारा भाई दोनों में वॉक कर चुका, बड़े बड़े डिजाइनर्स के लिए, फोटोज भी मैं दिखा देता हूँ भाई। बट अरे यार ये तो पूरा मॉडलिंग समझा दिया, बट चलो अभी ये जॉ लाइन पे आ जाते हैं। एक बार जरा यहाँ पे टच करो, टाइट करो, ये हल्का सा मसल फील करोगे। इतनी छोटी सी मसल है यार, इतनी छोटी सी मसल, और उसके लिए लोग बोलते हैं एक्सरसाइज करो। भाई सिर्फ स्विंगम चबाओगे ना उतने से काम हो जाएगा। लोग बोलते हैं ये करो, पता नहीं क्या क्या मतलब कमाल ही हो जाता है। आप जरा एक बार अर्जुन कपूर की पुरानी फोटो देखो, अब की देखो, सारा अली खान की बिफोर फोटो देखो, अब की देखो, लोग देखेंगे और इन्होंने जॉ लाइन निकाल ली। लोग ये नहीं देखेंगे इन्होंने बॉडी फैट परसेंटेज कितना कम कर लिया। बट इन शॉर्ट भाई आप फैट लॉस करवाने वाले हो तो करके देख लिया, फायदा ही नहीं हुआ यार। एक सेकेंड, वो चीज पे थोड़ा हिट हम करते हैं, बट आपको मैं एक शॉर्टकट बता दूं, न्यूइंग। बेसिकली दैट फेस स्विंग्स है ना, दैट गोज अपवर्ड्स, जिस वजह से आपकी ये चिन है बाहर निकलती है। आपका ये जो नोज ब्रिज है स्ट्रेट होता है, जिनकी मोटी नोज है वो पतली भी हो सकती है, डबल चिन खत्म हो सकती है। और ये म्यूइंग टेक्निक ना एक तरह से टंग प्लेसमेंट है जो मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। सॉरी यार इंट्रोडक्शन थोड़ा बड़ा हो गया, सॉरी थोड़ा एग्जाम्पल भी बड़ा हो गया, बट ये वीडियो कुछ गजब होने वाली है विद प्रूफ। तो भाई सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलना, क्योंकि भाई कल तो वैसे जो वीडियो आने वो मैं लास्ट में बताता हूँ, बट भाई ये चीज़ करो क्योंकि अमेजिंग अमेजिंग ये वीडियो है। और हाँ, जो भी मैं चैलेंजेस बोलते रहता हूँ ना, जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो मेरे डैम गुड के प्रोडक्ट्स का, वो अभी भी वैसे लागू है। प्रोडक्ट खरीदो और अपना ऑनेस्ट रिव्यू दो, क्योंकि मैं स्टोरी पर शाउट आउट देता हूँ। अब इस बेचारे के साला 40-50 व्यूज आते थे, मैंने शाउट आउट दिया, सिर्फ आई गेस कुछ मिनटों में ही भाई 1200 व्यूज, मतलब ये भी खुश मैं भी खुश। तो भाई देखो ऑनेस्ट रिव्यू के लिए बात कर रहा हूँ, कोई बनावटी रिव्यू नहीं तो आप दे सकते हो, बट ये वीडियो शुरू करनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। कहीं लोग कहेंगे कि भाई जेनेटिक्स में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है,
यार जेनेटिक्स तो आपको सिर्फ एक बाउंड्री देती है, अंदर जो नकाशी करते हो वो तो आपके हाथ में है। अब देखो हिस्ट्री रिसर्च में मैं थोड़ा विश्वास रखता हूँ, हिस्ट्री अगर किसी ने पढ़ रखी हो तो उनको पता होगा कि खोद खोद के पता लगा था कि भाई हमसे पहले भी एक सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी। उनके स्कल्स जब स्टडी करे गए तो पता लगा कि उनकी जॉ और उनकी स्माइल परफेक्ट थी। क्यों? क्योंकि हमने बेसिकली अपने गलत पॉस्चर की वजह से ना अपनी स्माइल अपना जॉ लाइन बिल्कुल खराब कर दिया है, और ये चीज ना बहुत इंपैक्ट पड़ता है क्योंकि जो फेस स्ट्रक्चर है दैट इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय योर टंग पॉस्चर। यहाँ पे आती है म्यूइंग टेक्निक जो कि बहुत वायरल है, हर कोई भाई सर्च कर रहा है। माइक म्यू ने इसको चीज को इन्वेंट करा था, इस टेक्निक को, और इनके जो डैड थे जॉन म्यू वो ये कहते थे कि भाई आपकी टंग की प्लेसमेंट से जो ये साइड के जॉज है ना और इवन टीथ की प्लेसमेंट वो तक चेंज हो सकती है, और सिर्फ टंग की प्लेसमेंट से नहीं, टंग का काइंड ऑफ रेस्ट करने का पोजीशन, उसका स्वोलो करने का पोजीशन, इन सब से अगर काइंड ऑफ आइडली ये चीज करा जाए तो ये जो ये दोनों ये जो टीथ है ना जो अलग अलग जॉ पे इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा, जिस वजह से ना आपकी ये जॉ लाइन बड़ी क्लियरली नजर आएगी। इवन काफी ऐसे पतले लोग भी है जिनकी जॉ लाइन विजिबल नहीं है, उनका गलत फेस का स्ट्रक्चर है, और आप अपना फेस का स्ट्रक्चर इस तरह से सुधार सकते हो। बट तुम सोचोगे भाई अब करेक्ट पोजिशन है क्या? बहुत आसान सी है। जहां पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रेस्ट करनी है आपको टंग, तो आपकी टंग की टिप कहां पे होनी चाहिए? जब आप द बोलते हैं, दे बोलते हो, तो जहां पे आया ना टच हुआ, अभी आप बोलो एक बार द दे, वहां पे आप अपर टंग टच करना है। और जहां पे आप बोलोगे रिंग इंग, तो ये जो इंग आया, जब इंग बोलते हैं ना जो मिडिल आपकी टंग जहां पे रेस्ट करती है, तो ये आपकी परमानेंट पोजीशन होनी चाहिए टंग को रेस्ट करने। और जब आपको स्वोलो करनी है कोई चीज तो ऐसे करो और ऊपर देख के स्वोलो करो। ऐसे करने में ना आपकी टंग ऊपर है, जो पोजीशन जो मैंने आपको बोली अभी रिंग और द करके काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन की, ये आप रोज के रोज करने लगे, क्योंकि भाई दिन में बंदा शायद से 100 से भी ज्यादा बार स्वोलो करता है। तो भाई अगर आप ये करने लग गए, काफी दिन लगेंगे, काफी महीने लगेंगे, क्योंकि ये आपका फेस स्ट्रक्चर डिफाइन हो रहा है। बट एक बार डिफाइन हो गया ना मेरे भाई, आपको कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, अपने आप आपकी जॉ लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड दिखेगी। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये हमने ही अपनी जॉ लाइन बिगाड़ी है, हमने ही अपना फेस स्ट्रक्चर बिगाड़ा है अपनी गलत टंग पॉस्चर की वजह से। म्यूइंग आजकल बहुत ज्यादा वायरल हो रखी है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और म्यूइंग से जॉलाइन बनाने की स्पीड 10x हो सकती है अगर आप सही डाइट भी फॉलो करो। देखो आपको ना सॉल्ट इनटेक बहुत ज्यादा कम कर देना, बिल्कुल कट ऑफ अगर कर सकते हो, ऐसे नहीं हो पाएगा तो बहुत ज्यादा कम कर दो, क्योंकि ना यार ये क्या करता है कि वाटर होल्ड करता है, वाटर रिटेंशन होती है, वाटर रिटेंशन से फेस इवन आपकी टमी पे भी ब्लोटिंग दिखेगी जहां से जॉलाइन नहीं दिखेगा। जो अब सबसे पहले मैंने वीडियो में समझाया था कि अगर भाई कोई मोटी सी चीज हो अंदर से वो इंपैक्ट में बाहर नजर आएगा। दूसरी चीज है शुगर कम कर दो। तीसरी चीज इस डाइट में अपनी बायोटिन इंक्लूड करो। अब जैसे डैम गुड ने एक बायोटिन गमीज बना रखी है, मतलब भाई कैंडी है एक तरह से, और आपको टेस्ट में इतनी स्वाद लगने वाली है, आप ये ऑर्डर कर सकते हो www.mridulmadhok.in से। और भाई इसके अलावा हाइड्रेटेड रहो, पानी ज़्यादा पीते रहो, क्योंकि भाई पानी जितना फ्लूइड पियोगे उतना फ्लूइड निकालोगे और वाटर नहीं होल्ड होगा। और अगर आप चाहते हो कि भाई फैट लॉस पे एक कमाल वीडियो बना दो भाई, तो आपको ना बस पीछे कमेंट करना है, हम न्यूट्रिशनिस्ट अपने भाई को फिर बुला लेंगे भाई। साथ ही साथ अगर इंस्टेंटली आपको अपनी जॉ लाइन बहुत ज्यादा डिफाइंड लगानी है ना, तो ये जो नीचे वाली बियर्ड है ना इसको क्लीन करते रहो मेरे भाई, ये एक नेक्स्ट लेवल ट्रिक है। जैसे ही क्लीन करोगे अपने आप आपकी जॉ लाइन और ज्यादा प्रोमिनेंट दिखेगी। और एक और छोटा सा हैक दूं, ये देखो ये जब जॉ लाइन आपकी है यहाँ से अगर थोड़ी बियर्ड डार्क कर दोगे ना, तो ये अपने आप ऐसा लगेगा कि हाँ भाई फेस थोड़ा और ज़्यादा लंबा लग रहा है और जॉ लाइन और ज़्यादा प्यारी लग रही है। ये चीज़ से और म्यूइंग टेक्निक से नेक्स्ट लेवल रिजल्ट आ सकता है। चलो भाई अब ना मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए निकलने वाला हूँ। हिंट दूँ क्या? हिंट तो यही है कि मतलब समझे उसके लिए जाना है, अब उसकी वीडियो आपको कल दिखेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई बेल आइकॉन दबा के ऑल पे क्लिक कर दो, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगी ना तो आप देखना मत भूलना, वो तो भाई क्या गजब वीडियो होने वाली है भाई। चलो चलते हैं, तुम्हारा भाई चलता है।